कितनी बद्दुआएं दी होंगी उसने हमें। आशिफ, इससे पहले के देर हो जाए, आप जाएं सिद्दीक भाई के साथ और उस लड़की की बेगुनाही साबित करें। शायद इसी वजह से हमारी गुड़िया आपको बार बार तकलीफ में दिखाई देती है, क्योंकि वो लड़की तकलीफ में। ठीक है दियो, मैं मांगूंगा माफी, मैं दूंगा गवाही कि अफरीन बेकसूर है। वालेकुम अस्सलाम आफरीन। बैठे आप। जीती रहो माशाल्लाह। अरे कितनी बड़ी हो गई है माशाल्लाह, छोटी सी थी, भागी फिरती थी शहर में। अरे भाई तुम आए भी तो कई सालों के बाद हो। बस क्या बताऊं मज़हर, पहले तो नौकरी का झंझट था, खैर वो भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अब तो इस बीमारी ने बिल्कुल माजूर कर दिया है। हाँ ये तो है, बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूँ यहाँ हिम्मत पैदा करके। बहुत अच्छा किया आपने भाई साहब के आ गए आप। तहरे भाभी लीजिए ना। जी जी लेती हूँ। ले लो। माशाल्लाह आपके तो सारे बच्चों की शादी हो गई है ना। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बस ये आफरीन बाकी रह गई, इसके लिए भी रिश्ता ढूंढ रहे हैं। बाकी सब बच्चे अपने अपने घरों में खुश हैं। तमकीन की तो पहले तलाक हो गई है ना। जी दोबारा उसका निकाह करवा दिया हम लोगों ने, बहुत खुश है अपने घर में। ये तो बहुत अच्छी बात है और सुनकर खुशी हुई। बेटियां अपने घरों में खुश हों तो माँ बाप को सुकून रहता है भाभी। ये रजा मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। ऑफिस से तो आ गया है, मेरा ख्याल फिर कहीं निकल गया होगा, आ जाएगा। ओहो मुझसे भी चूक हो गई कि फोन करके उसे इत्तला ही ना दे सका कि हम लोग पहुँचने वाले हैं, मोबाइल की बैटरी डाउन थी। आराम कर लो, इतनी देर तक वो आ ही जाएगा, उसने कहाँ जाना है। बेटा अफरीन को कुछ मेहमानों के लिए खाना वाने का बंदोबस्त करो। जी अब्बा। खाने का बंदोबस्त तो करो बेटा, लेकिन मेहमान मेहमान नहीं है हम। आप लीजिए ना। जी 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 भाभी। सिद्धार्थ साहब अपने लिए। अच्छा थैंक यू। रजा तो तुमने मुझे कबूल कर लिया सच जानने के बावजूद, बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा। जैसा मैं तुम्हें समझती थी तुम उससे भी बड़े दिल के निकले। तुम नहीं जानते तुम्हारे साथ एतमाद ने मुझे नई जिंदगी बख्शी है। बस ऐसे ही आने वाली जिंदगी के हर मोड़ पर मेरा साथ निभाना। अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते? भाई मैं तो इनकार कर देता, अब आंखों देखी मक्खी कौन निकलता है। मोहब्बत करने लगा था यार मैं उससे। देख मोहब्बत और शक साथ साथ नहीं चल सकते। अगर आफरीन को तू अपनी जिंदगी में शामिल कर भी लेता, इस शक को कैसे दिमाग से निकालेगा? कभी सोचा नहीं था यार कि मैं उसे यूं क्यों अपने दिल से अपनी जिंदगी से निकाल फेंकूंगा। वैसे ये तस्वीरें भेजी किसने थी तुम्हें? पता नहीं यार, शायद वही हो जो नहीं चाहता कि उसकी मोहब्बत कहीं और दिल लगाए। तुम फोन तो कर सकते थे ना उसके नंबर पे। कैसे फोन करता यार,
नहीं थी हिम्मत मुझ में। बच्चा कुछ एतबार नहीं खत्म करना चाहता था। खैर छोड़ो ये सब कुछ, तो चलो चलते हैं बस। अब करेगा क्या? अम्मा अब्बा और अपने दिल को संभालूंगा और क्या। सोचूंगा कि शायद आफरीन मेरे लिए थी, काश कि आफरीन मेरे मयार पे उतर पाती।